मैं जम्मू कश्मीर को स्टेट को राज्यसभा में रिप्रेजेंट भी करता हूं, तो एक जम्मू कश्मीर के नागरिक के होते और जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए पार्लियामेंट में मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता कि आगरा में जो अपने प्यार और मोहब्बत के लिए दुनिया में सबसे मशहूर जगह दिखाई जाती, दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग आगरा आते हैं और मोहब्बत का, प्यार का पैगाम लेके जाते हैं। पूरे विश्व के पर्यटक गर्मियों में, सर्दियों में वहां आते हैं, होटलों में बैठते हैं, लेकिन एक होटल वाले ने ये अपने दरवाजे पे बोर्ड लगाया जो कि कई दर्जनों अखबारों में छपा है, कश्मीर तक छपा, और मैंने खुद वो अखबार पढ़े जिसमें बोर्ड लिखा है कि कश्मीरी प्लीज, कश्मीरीज आर नॉट अलाउड टू स्टे इन दिस होटल। अंग्रेजों के जमाने में हम सुनते थे क्या अंग्रेज कई ऐसी जगहों पे जहां उनके खाने पीने और डांस करने की जगहें थी वहां दरवाजे पे लिखते थे कि हिंदुस्तानी यहां प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन आज भारत स्वतंत्र भारत में शायद यह 70 साल में पहली दफा होगा कि अपने ही देश एक होटल वाले अपने ही देशवासियों कश्मीरियों के लिए ये दरवाजे पे लिखे कि वो यहां रह नहीं सकते। पूरे देश को निंदा करनी चाहिए, जिस तरह से अभी पुलवामा में जो घटना हुई थी जिसमें हमारे जानबाज CRPF के नौजवान आतंकवादियों के हाथों मारे गए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर गुजरात तक हर धर्म के लोगों, मैंने टेलीविजन पे कई प्रोग्राम देखे जहां मुसलमान मस्जिदों में दुआ कर रहे थे कि शांति हो, और जो हमारे ये सिपाही जिनकी जान चली गई आतंकवादियों के हाथ, उनकी आत्मा के लिए शांति मांग रहे थे। तो सब धर्मों के, सब जातियों के, सब वर्गों के, सब प्रांतों के लोग आर्मी के साथ खड़े हुए, देश के साथ खड़े हुए। मैं चाहूंगा कि उसी तरह से कोई भी वर्ग, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति उस घटना का नाजायज फायदा उठाते हुए अगर धर्म की राजनीति करता है या कश्मीर की आम जनता को जिन्होंने 1947 में अक्टूबर के महीने में जब पाकिस्तान में अपनी सिविलियन फौज और कुछ रजाकार भेजित, जब उन्होंने हमसे POK छीन लिया और कश्मीर में पहुंचे थे, हमारे पास फौज बहुत कम थी वहां पहुंचने के लिए, ये कश्मीरी लोग थे जिन्होंने उनको वादी से खदेड़ दिया, वादी का आधा हिस्सा भी उनके हाथ में था, बारामूला डिस्ट्रिक्ट उनके हाथ में था, श्रीनगर जो आज का एयरपोर्ट यहां तक पहुंच गए थे, लेकिन ये कश्मीर के लोग थे जो लाठियों से उनका मुकाबला किया और उनको पहाड़ के बाहर कर दिया। और वही कश्मीरी 1947 से लेकर 1965, 1962, 1971 और 1999 में हमारी फौज के साथ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, हमारी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं,
उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके घर भी उसमें जल जाते हैं, लपेट में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी। तो ऐसे कश्मीरी जो होटल में आए, बिजनेस करने के लिए आए या पढ़ने के लिए आए, मैं उन तमाम कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से भी अपील करूंगा, मेरे बच्चों को जो क्लासमेट हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स के पूरे हिंदुस्तान, कि जो भी स्टूडेंट्स लड़के या लड़कियां कश्मीर से आए हैं पढ़ने के लिए देश के दूसरे भागों में, उसका मतलब है कि वो कश्मीर के आतंकवाद में शामिल नहीं होना चाहिए चाहते हैं, उसका मतलब है कि वो आतंकवादी नहीं बनना चाहते हैं, उसका मतलब है कि वो पढ़ना चाहते हैं और मेन देश के मेन स्ट्रीम में एडजस्ट होना चाहते हैं, उसका मतलब है कि वो उस मिलिटेंसी की निंदा करते हैं, वो उस मिलिटेंटों की अपील को और पैसे को ठुकराते हैं जो आतंकवादी और पाकिस्तान उनको लालच देता है कि तुम आतंकवाद में शामिल हो, लेकिन उस पैसे को और लालच को ठुकरा कर वो अपने दूसरे भाइयों, हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई भाइयों में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं बजाय कि वो कश्मीर में पढ़ने के आगे। और अगर उनके साथ वहाँ मिलिटेंट मारेगा या हमारे भाई उनकी पिटाई करेंगे तो मेरे ख्याल में हम देश के साथ भी नाइंसाफ़ी करते हैं। हम उन बच्चों को जो हमारे मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनको मेन स्ट्रीम में आने से रोकते हैं और उन्हें उसी दलदल में डालना चाहते थे जिस डालना चाहते हैं जिस दलदल से वो भाग के देश के दूसरे हिस्सों में आता। तो मेरी राज्य सरकारों से भी अपील होगी कि वो अपने अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्टेटों में, वहाँ के बच्चों को खाली एडवाइजरी से नहीं होता, उन कॉलेजों में जाएं लोग और उनको यही बात समझाएं जो मैं कह रहा हूँ कि इनको मेन स्ट्रीम में आने दो, ये उस दलदल में फंसना नहीं चाहते हैं और तुम कहीं अपनी गलती से इनको उस दलदल में वापस धकेलने की गलती न करो। बहुत बहुत